नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कुशवाहा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वो भी एटीएम मशीन पे जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसका पूरा प्रोसेस बताएँगे कैसे कैसे क्या करना है। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको उन्हें देखी कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन पर जाना है और एटीएम मशीन पर जाने के बाद अपना एटीएम का स्वाइप करना है। उसके बाद अपना पिन उन डाल देना है एटीएम का। उसके बाद इस तरह का आएगा आपके स्क्रीन पर। तो आपको जाना है, इधर आएगा चेंजिंग पिन, फंड ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉ। आपको क्लिक करना है एम कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग पे। तो तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड पे आएगा। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का आएगा स्क्रीन में। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। राइट साइड में है, ऊपर आएगा रजिस्ट्रेशन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह का आएगा एंटर द मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर 10 अंक का डालना है। तो हम डालते हैं 1 के बाद प्रेस करेक्ट पर क्लिक करना है। फिर री एंटर मोबाइल नंबर वही डालना है जो अभी डाले हैं। तो उसको ही डाल के फिर प्रेस री एंटर पर क्लिक करना है। तो पहले मोबाइल नंबर री एंटर का डाल लेते हैं, फिर प्रेस करेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपका जो सेविंग हो या करंट हो, तो ज़्यादातर लोगों को सेविंग ही रहता है, तो सेविंग पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल पर एक इस तरह का आएगा, उसमें एम पिन रहेगा। आपको एक ऐप लोड करना है जिसका नाम है एम कनेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये लोड करना पड़ेगा ऐप से, प्ले स्टोर से लोड कर लें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर OTP आएगा, उस पर वेरीफाई करें। फिर लॉगिन पर क्लिक करना है आपको। फिर 4 अंक का लॉगिन पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है, ओके को क्लिक कर देना है। फिर एम पिन डालना है, जो एम पिन आपके मोबाइल पर आया था 4 अंक का, वो डालना है। फिर अपने मनपसंद चेंज करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और खुल भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।